बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्मार्ट स्कूल ग्रेड 2, द स्मार्ट रिसोर्स पैक, मैथमेटिक्स, बार ग्राफ्स ऑफ पेट्स। दिस इज अ ग्राफ ऑफ पेट्स दैट बिलोंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ मिस आमनास क्लास। यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चंस। ये एक बार ग्राफ है जो कि मिस आमना के क्लास के स्टूडेंट्स के पेट्स का है। सो इस बार ग्राफ को रीड करते हुए आपने नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। पहले हम इस बार ग्राफ को रीड करते हैं। सो स्टूडेंट्स के पास जो पेट्स हैं उनमें डॉग्स की तादाद कितनी है? 3। कैट्स की तादाद कितनी है? 6। फिश की तादाद कितनी है? 8। और बर्ड्स की तादाद कितनी है? 4। नाउ लेट अस आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डॉग्स डू द स्टूडेंट्स हैव? 1, 2, 3। सो 3। नंबर 2, हाउ मेनी बर्ड्स डू द स्टूडेंट्स हैव? अब स्टूडेंट्स के पास बर्ड्स की तादाद कितनी है या कितने स्टूडेंट्स के पास पेट्स जो हैं वो बर्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4। सो 4। नंबर 3, हाउ मेनी कैट्स डू दे हैव? हाउ मेनी कैट्स? कैट्स 6। सो 6। हाउ मेनी फिश डू दे हैव? अब फिश की तादाद कितनी है या स्टूडेंट के पास फिश जो हैं वो टोटल कितने हैं? फिश सो 8। सो फिश 8। नंबर 5, नेम द फेवरेट पेट ऑफ मिस आमनास क्लास। अब मिस आमना की क्लास के स्टूडेंट्स का फेवरेट पेट कौन सा है? जो सबसे ज्यादा होगा वही फेवरेट होगा। सो सबसे ज्यादा कौन सा एनिमल है जो स्टूडेंट्स के साथ पेट है? फिश, क्योंकि फिश की तादाद या काउंट कितनी है? 8। सो फिश। हैंडलिंग डेटा। दिस इज अ टेबल रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 1, 2, 3। यूज द डेटा टू प्लॉट द ग्राफ। अब हमें डेटा दिया गया है, उसकी मदद से हम बार ग्राफ्स बनाएंगे। अब ग्रेड 1 में गर्ल्स कितने हैं? 8। बॉयज कितने हैं? 2। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 8 + 2 = 10। ग्रेड 2 में गर्ल्स कितनी हैं? 6। बॉयज की तादाद कितनी है? 9। सो 9 + 6 = 15। सो टोटल स्टूडेंट्स 15। ग्रेड 3 में गर्ल्स कितनी है? 2। और बॉयज की तादाद कितनी है? 10। सो ग्रेड 3 में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 + 2 = 12। अब दो ग्राफ हमें पहले से बनाकर दिए गए हैं, गर्ल्स और बॉयज के। अब गर्ल्स इन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, और बॉयज इन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ये नंबर ऑफ बॉयज हैं। अब गर्ल्स की तादाद ग्रेड 1 में कितनी है? ग्रेड 1 गर्ल्स 8। सो आपने बार ग्राफ इस तरह बनाना है, और चूंकि गर्ल्स की तादाद 8 है तो उसको 8 पे स्टॉप कर देना है या उसकी हाइट 8 तक बनानी है। ये शो कर रहा है कि ग्रेड 1 में 8 गर्ल्स हैं। ग्रेड 2 में गर्ल्स की तादाद 6 है। सो ग्रेड 2 आपने जो बार बनाना है उसकी हाइट 6 तक होगी, क्योंकि गर्ल्स की तादाद 6 है। ग्रेड 3 में गर्ल्स की तादाद 2 है। सो ग्रेड 3 का जो आप बार बनाएंगे वो 2 तक होगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ गर्ल्स 2। नाउ फॉर बॉयज, ग्रेड 1 में बॉयज की तादाद कितनी है? 2।
आप ग्रेड वन का जो ग्राफ बनाएंगे उसकी हाइट या उसका साइज 2 तक होगा, क्योंकि ग्रेड वन में टोटल बॉयज 2 है, ग्रेड टू में बॉयज कितने हैं, 9। जो आप बार बनाएंगे ग्रेड टू का इधर बनाएंगे, और जो बनाएंगे तो वो 9 तक होगा या उसकी हाइट 9 तक होगी, क्योंकि टोटल बॉयज ग्रेड टू में 9 है। ग्रेड थ्री में बॉयज कितने हैं, 10। ग्रेड थ्री और टोटल बॉयज 10। आपने जो बार बनाना है उसकी हाइट 10 तक होगी। नंबर वन, फ्रॉम द टेबल अबव कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रेड। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रेड यहां हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। नंबर टू, प्लॉट ऑन बोथ ग्राफ्स द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज फॉर द डिफरेंट ग्रेड्स। अब आपने दोनों ग्राफ्स पे नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज की तादाद प्लॉट करनी है। आप ग्राफ वन में ये 3 बार्स बनाएंगे बॉयज के लिए, और ग्राफ टू में ये 3 बार्स यहां बनाएंगे गर्ल्स के लिए। थैंक यू किड्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन सून विद अनदर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।